वेलकम बैक टू जागो लाहौर। आप सोच रहे होंगे मेरे एक हाथ हवा में क्यों है जनाब। मैं आज अपने एक बार फिर नेल्स पे मेहनत कराने लगी हूँ और आप समझ गए होंगे कि हमें कौन ज्वाइन करने वाला है। जनाब हमें अनीशा यूसुफ ने ज्वाइन किया है जो कि नेल बाग की ऑनर है। और अभी रिसेंटली मैं कुछ चेक कर रही थी कि इनकी कोई नई ब्रांच भी खुल चुकी है। अब लाहौर में कितनी ब्रांचेस हो चुके हैं ये हम अनीशा से पूछेंगे। वेलकम टू द शो अनीशा, कैसे? थैंक यू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक है, मजे में आप? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत बहुत जबरदस्त। अनीशा से बात करेंगे लेकिन उसके साथ जनाब हमें सिंगर ने भी ज्वाइन किया है जो कि आखिरी सेगमेंट में म्यूजिक के बगैर बिल्कुल शो खत्म नहीं करते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे बिलाल एजाज और उनके साथ फाइक है हमारे साथ, दोनों को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अनीशा सबसे पहले तो 2019 आने वाला है और आजकल तो वेडिंग सीजन भी चल रहे हैं सारा कुछ, किस तरह के ट्रेंड है नेल आर्ट के हवाले से? और एक्रेलिक तो वैसे ही इन ट्रेंड है काफी अर्से से। देखिये एवरी टाइम हमें ये सवाल किया जाता है ट्रेंड्स क्या है। इतनी एक्स्ट्रा वैरायटी है नेल्स, आई मीन इट्स कलर्स एंड देन गर्ल्स एंड इतने प्रिंट्स आते हैं एवरी टाइम वी आर एडिंग ऑन न्यू प्रिंट्स। आज जो आपका भी करने वाले हैं इट्स वेरी स्लीक सा और विंटर कलर्स करने लगे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर आई बिलीव कोई ट्रेंड नहीं होता। एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस, तो सबकी अपनी चॉइस होती है। बट I would say color variations आए हैं नए, winter के color थोड़े different होते हैं, summer में थोड़े funky भी चल जाते हैं और सारा। तो अभी 2019 में अब चूंकि अब बहुत सारी changes आएंगी, अभी आप बता रहे हो colors और सारा कुछ है, लेकिन कुछ nail art में specific demands होती हैं लोगों की कि अच्छा हम ये चाहते हैं हम ये नहीं चाहते, acrylic हो या आप वैसे nail art करा रहे हैं, तो किस तरह की normally लोगों की सुनने को मिलती है? I think कि जैसे 2018 एंड मिड के बाद ही क्रोम बहुत ज्यादा आया था। हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ गई हैं। तो आई थिंक 2019 में फॉलो अप होगा विद द न्यू स्टाइल्स ऑफ क्रोम्स एंड कलर्स और होलोग्राफिक और इतना कुछ आ गया है कि एनीथिंग कैन बिकम अ ट्रेंड। आप बनाओगी ना ट्रेंड 2019 ट्रेंड? बताओ कितना अपने आप को खुद को अपडेट रखना पड़ता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि खुद जब तक आप उतने एक्टिव नहीं है तब तक मुझे लगता है फिर आपको प्रॉब्लम भी होती होगी। अगर आप मेरा पर्सनली पूछ रहे हो तो आई एम सो बिजी माशाल्लाह। जैसे आप बता रहे थे अभी कि वी हैव एक इस्लामाबाद में ब्रांच खोली, तीन लाहौर में। तो आई एम सो बिजी के मेरा स्टाफ मुझे पकड़ रहा होता है मैं प्लीज आप अपना नेल कलर ही चेंज कर लें, टाइम नहीं मिलता। तो इफ यू आस्क मी तो मेरे पास में काफी देर एक ज्यादा बिल्कुल रश वगैरह, क्योंकि हाँ, जब भी आप जाए नेल्स के हवाले से तो लोग अब ज्यादा कॉन्शियस हो गए, पहले इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं हो रहा था। आप देखना कि आने वाले टाइम में आई प्रिडिक्ट के जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो लोगों को पता ही नहीं था एक्रेलिक नेल्स क्या होते हैं। तो अब ये है कि माशाल्लाह विद टाइम जितनी मार्केटिंग पब्लिसिटी और अवेयरनेस की है तो this industry itself, jo nail industry hai, will be booming in Lahore. No doubt. And we should be proud ki Lahore has started it. Exactly. Aapne start kiya hai aur she's one of the pioneers jinhone nail art aur is tarah ke trends ko introduce bhi karwaya hai. Aaj na aap a singer bhi maujood hain. Bilal, aap se jaanna chahenge aapke singing career ke hawale se kab se gaana shuru kiya? Mujhe almost ho gaye hain 4 to 5 years from beginning from university. एंड वहीं से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मतलब स्टार्ट किया और अभी तक कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ के साथ जो है वो ये चीज रखी हुई है अभी तक, तो साथ देखते हैं आगे कितनी देर चलती है। तो क्या फर्दर इसको परसू करने का प्लान है या नहीं है? हाँ जी इंशाल्लाह है। जबरदस्त। तो आजकल कोई अपना सॉन्ग भी है या सिर्फ आप कवर्स कर रहे हैं? कवर्स कर रहा हूँ इसलिए कि ऑडियंस ज्यादा इंगेज हो, मतलब जो पहले से ऑलरेडी लोगों ने सुने हुए हैं, ठीक है, वो एक ज्यादा सुनते हैं, आदत होती है ना सुनने की। तो अभी ये इंशाल्लाह 2019 के अंदर अपना ऑफिशियल ट्रैक मेरा प्लान है। लवली, तो आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? अभी एक बड़ा मजे का सॉन्ग है, काफी अच्छा आपको पसंद आएगा। जबरदस्त जबरदस्त। शहर में घर तेरा हो गया सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया ख्वाबों की डोर टूटे ना आया
था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना यार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार जबरदस्त जबरदस्त तो आतिफ असलम का गाना आपने सिलेक्ट किया कुछ आइडलाइज करता है इंसान जब आप म्यूजिक तो आपका जो आइडल कौन था जिसको आप बहुत ज्यादा देखते भी सुनते थे और उसके हवाले से सोचा क्या अच्छा नहीं स्टार्टिंग में तो आतिफ असलम थे क्योंकि वो एक ऐसा एरिया था जमाना था कि जब मतलब ट्रेंड था इस चीज का जब आतिफ असलम एकदम आया ठीक है तो उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और उसके बाद मुस्तफा जाहिद ठीक है तो रोजन मैन एंड देन उसके बाद एक सॉन्ग था कौन तू मेरा नहीं रिजवान अनवर ओके ओके ग्रेट 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 इनको मैं सुनता हूं उनको आप सुनते हैं लवली लवली अनीशा आप ब्रांचेस के हवाले से बताएं कहां कहां है आपकी एक तो गुलबर्ग वाली ब्रांच तो सबको पता है निर्बाग की एक डीएचए फेज 5 लाहौर में और एक अब हमने लॉन्च की है इन बापटा टाउन और उसमें यूनिक ये है कि आई हैव ब्रॉट इन मोरक्कन बाथ फ्रॉम दुबई सो दैट्स our first trial that we're going to start matlab babda mein start karenge aur it's like a very good body exfoliating jo internationally dubai mein every salon has it aur wahan to bahut chalta hai to ab dekhiye that's a new trial that we've added on nail bar ke sath to lovely lovely is aap travel karti hain kyunki traveling mein aapko bahut sare different cheeze bhi dekhne ko milti hai और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी आते हैं तो आप ट्रेवलिंग से कितना अपनी चीज वहाँ से सीख कर आती हैं या वहाँ से देखती हैं और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं देखिए अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर चली जाऊँ तो कनाडा अमेरिका टाइप जगहों पे क्योंकि आपके पास इतनी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं दे हैव देयर वेरी कुछ ऐसे ट्रेंड्स वहाँ चलते हैं जो यहाँ आई डोंट थिंक चल सकता है थोड़ा सा टच आए हालांकि भी यू नो बहुत नैरो सी एक स्टिलेटो शेप आई थी वहाँ पे ये कोई 8-9 साल पुरानी है और यहाँ पर अभी थोड़ी शुरू हुई है आई मीन डर कुछ क्लाइंट्स हैं जो पसंद करते हैं और कुछ बहुत डरते भी हैं ना कराने से कुछ लोग और मैं हैरान होती हूँ कि ये एक्चुअली करा रहे हैं यू नो बट लाहौर में ये कि आई थिंक वी आर वेरी एक्सेप्टेबल टू डिफरेंट न्यू ट्रेंड्स नो डाउट और मतलब इंटरनेशनल ट्रेंड्स चल ही रहे अच्छा मैं अब ये बात अभी मैं कुछ रिसेंटली मैं 2 दिन पहले वापस आई और मैंने देखा कि वहाँ पर नेल आर्ट और एक्रेलिक का बहुत ज्यादा ट्रेंड है लेकिन लाहौर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो सिर्फ 2 सिटीज को ज्यादा फोकस लाहौर और कराची लाहौर में लोगों को नेल बार का पता था एक और का और आप कराची में लाइक हम करा के यहाँ से चले जाएंगे हम फिलिंग कहाँ से कराएंगे हम ये कराची नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्लान है इंशाल्लाह मेरा बहुत ज्यादा ड्रीम है मार्केट भी बहुत ज्यादा हाँ जी आप जो कह रहे हो बहुत क्लाइंट्स हैं स्पेशली फ्रॉम द मीडिया आल्सो तो देयर लाइक यार हम करा लेते हैं फिर आना जाना बड़ा फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है तो देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट विल बी कराची अच्छा जी क्या सुनाने वाले आप हमें अभी एक बड़ा मजे का सॉन्ग है मेडले टाइप 2 सॉन्ग्स हैं मेडले वो मैं प्ले करूंगा हंजुआ गिन गिन रात सजाई पर तेरी कोई खबर ना आई दिल है
सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं तू मेरा 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 नहीं मेरा 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 नहीं तेरी यादा सहारे मैं जीते लवांगी मैं जहर जुदाई दपीते लवांगी एक गम तू से देता सो गम आप पाले सब किता से अपना तेरे हवाले हुन रातां नूं यादां दी छावे बैके मैं तस्वी करा तेरा नां लेके थक गई सारे मैं दुखड़े सहके आवे गमुड़ के गया सी तू कह के आ तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया जगनू हवाया मैं तेनू रवाया फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया जबरदस्त तो बिलाल आप कहीं से प्रॉपरली ट्रेनिंग भी ले रहे हैं नहीं ट्रेनिंग ऐसे चीज जैम सेशन होते हैं हमारे मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर फ्रेंड्स के साथ तो बस उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो फैमिली सपोर्ट करती है बहुत सारे सिंगर्स ये शिकायत करते हैं कि फैमिली की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं है फैमिली किन चक्रों में पड़ गए हैं ये है वो ऐसा होता है आपके साथ शुरू शुरू में काफी उन्होंने कहा था कि क्या कर रहे हो तुम मतलब फैमिली वाले क्या कहेंगे और सराउंडिंग क्या कहेगी आपकी लेकिन ये कि उनको पता है जब ये शोहरत आ जाती है ना यही फैमिली जी हमारा बेटा है माय फ्रेंड ही इज माय आई सी दैट तो ऐसा अभी होना ऐसा है ये अर्मला मेरे साथ भी था आई हैड टू मुझे बहुत ज्यादा अपने फादर को कन्विंस करना पड़ा व्हेन आई वाज मुझे शिफ्ट करना था ना कनाडा से तो मैंने कहा ठीक है फिर आप मुझे आई यूज्ड टू लव द नेल्स एंड ऑल दिस तो मैंने कहा फिर मैं घर से स्टार्ट करूंगी इसे ठीक है घर के अंदर ठीक है मैंने बहुत सारे से सैलून देखे मैं निर्भा की तो बात नहीं करूंगी वहाँ फ्रेंचाइज सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद वाली मेरी फ्रेंचाइज है बट सिंस नेल बार हैज बिन लाइक अ बेबी मैं जैसे आपको भी बताई थी ट्रैवलिंग इसमें भी कि मैं खुद आई एम मैनेजिंग मेरी सीनियर स्टाफ इज देयर एंड तो इट्स नॉट कम्प्लीटली हैंडेड ओवर येट इट्स टेकन केयर अंडर माई सुपरविजन और जो जिनको मैंने फ्रेंचाइज दी है वो बहुत अच्छी तरह टेक केयर करें एंड व्हेन आई गिव अ फ्रेंचाइज मुझे ऑफर्स आती हैं आई डोंट जस्ट गिव इट टू एनीबॉडी सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि मैं फ्रेंचाइज दे दूं और ब्रांचेस खुल जाएं आई मेक श्योर कि जो ट्रस्ट पे नेल बार पे लोग आ रहे हैं वो क्वालिटी और सर्विसेज हर ब्रांच हर ब्रांच पे होनी तो आई टेक इट एज इट्स ऑल फ्रेंचाइज है भी लेकिन आपकी सुपरविजन के साथ है वरना खोलने को अर्मला आप जितने मर्जी खोलते जाओ पीपल अब क्योंकि इवन जो इन्वेस्टर साइड है या वेमेन जो दे हैव द मनी तो दे से कि यार मुझे खोल दो कर दो तो आई डोंट आई टेक अ प्रॉपर इंटरव्यू टू हु आई कैन गिव माई फ्रेंचाइज टू अगर मैं आपको न्यूड सा कलर भी दिया आपको बहुत सारे नेल जब आपके मुझे तो हमेशा लगता है मैं एक्रेलिक अब करवाना शुरू हुई पहले मैं नहीं करती थी इट्स एडिक्शन एडिक्शन एग्जैक्टली क्योंकि ना जब आपके हाथों से उतर जाए ना नेल्स क्योंकि जब आपने किसी शादी या फंक्शन पे जाना हो ऐसे टक करके आपका नाखून टूट जाता है फिर आपको टेंशन हो रही होती है क्या बेस्ट फॉर वर्किंग लेडीज आप यू आर ऑलरेडी योर हैंड्स एंड पाउंड रेडी टू गो Exactly. नजर ही बेसिक है कि आता है मुंह के बाद फेस के बाद तो आई थिंक दिस शुड बी वेल डन और वर्किंग वुमेन के पास खुद भी इतना टाइम नहीं होता टू
نیچا خود اگر کرتے ہو تو اپنے نیلز رکھتی ہو آپ اکیلے؟ ہاں میرے آلویز ہوتے ہیں, آلویز ہوتے ہیں. تو جب خود کلائنٹس کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگلی جب کوئی کہے میں نے نیچا سے کرانا ہے تو مشکل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ جب آپ خود کام کر رہے ہو تو آپ کو تھوڑا کمفرٹیبل. دیکھیں ہاں خود کرنے میں آپ کو نیلز کرتے ہیں تنگ, بٹ اب بہت پرسنل سے کلائنٹس ہیں جن کا میں کرتی ہوں. ماشاء اللہ میرا سینئر اسٹاف اتنا ٹرینڈ ہے کہ آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل, بٹ کوئی کہیں تو میں آئی ڈو اٹ. اچھا نیل بار کے علاوہ اس کو فردر ایکسپینڈ کرنے کا پلان ہے, سیلون یا کچھ اور؟ کیونکہ تھوڑی بہت سروسز تو ہیں ڈیفینیٹلی نیل بار کے اندر. مراکن بار یا اس کے علاوہ دیکھیں بیسکلی انڈر ون روف نیل بار میں آپ اپنے ہیئر بھی کرا سکتے ہو. اچھا وی ڈو اٹ جس طرح آپ پالشر کرا سکتے ہیں, آپ تھریڈنگ ہو جاتی ہے, تو بیسک سروسز آر دیئر وہاں پر ہیں. ٹھیک ہو گیا, لولی. تو ابھی ہم چونکہ اینڈنگ کے جانے بڑھے ہیں جناب, تو ایک فرمائش کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر میں اپنے فائنل نیلز آپ کو دکھا کے تو اجازت لیں گے. جی شو جی, کیا سنائیں گے؟ ایک ملی سانگ ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ کوئی نصرت کی لائن کر سکتے ہیں کیویں مکھرے تو نظر ہٹاوا یا کچھ؟ میرا فیوریٹ, آئی لو قوالی. اوکے جی, کر دیتے ہیں کیویں مکھرے تو نظر ہٹاوا. کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں, کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں, نہیں تیرے جیا ہور دسدا, نہیں تیرے جیا ہور دسدا. کی کردا میں تینوں ویکھی جاواں, او جی کردا میں کوئی بھی سنگر کو نا اس کوئی بھی نصرت کی کسی اس پہ آئی جج فرمائش کر دیتی ہوں. نہیں فرمائش نہیں, میں جج لائک دی سنگنگ جج کرتی ہوں. لولی اینڈ ایکسلنٹ, لولی. اچھا جناب میرے نیلز ہو چکے ہیں اور یہ نیل آرٹ میں نے کروایا ہے اور میں اس پہ تھینک یو کروں گی, کیونکہ میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی میں اپنے نیل کا کیا کروں, میرا بیٹھے بیٹھے انیسا یہاں کام ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اچھا جناب ہم آپ سے اجازت لیں گے اور انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کل. ہمیں فیڈ بیک کا شدت سے انتظار رہے گا کہ آپ نے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے. ہمارا فیس بک پیج ہے جاگو لاہور کے نام سے اور ہم تھینک یو کریں گے انیشا کا, اپنے سنگرز کا, لیکن ان کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے, اینڈنگ میں ہم ایک اور گانا بھی سنیں گے. تو آپ سے ہم اجازت لے رہے ہیں, ہماری طرف سے اللہ حافظ, اور ان دونوں کو ہم دے دیے ایک چھوٹا سا گانا اور سن لیتے ہیں. دل دولت ترما یہ میری جان, لٹا دوں تجھ پہ جانم, آندھی آئے لاکھ بڑے طوفان, یہ چاہت ہوگی ناکم. گلیاں چبا رہے تیرے, جگ دے نظارے تیرے, جنن تیرا ہو ہو, تیرے بنا دل نہ لگے.